सबुथर वाले मुझे नहीं आसे गोटे यूनिक रेसीपी जोटा कि कखार रेसीपी ए रेसीपी आप सब फ्लेवर पाइबे जमीक खट्टा मीठा राग सब फ्लेवर हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तेज चलत आरंभ कर आज कखार रेसीपी मुझे प्रथम कड़ाई को भल भाव पूरा गरम कर देती कड़ाई गरम होती दुई रु तीन चामच सोरिष तेल नहीं जाइए तेल गरम होल्प टिके गोटा जीरा आड करदे जीरा भाजी गला परे सेथिरे गोटे तेजपत्र दे दूची आउ ता संगरे अल्प टिके हिंगु मध्ये पकाई दूची आउ ता संगरे दे दूची किछि फ्रेश भृसंग पत्र आउ दीटा सुखला लंका ए सबु को भल भाव टिके भाजी नौची हिंगु रो पूरा फ्लेवर तेल रे आसी गला परे एथिरे मु 250 ग्राम कखारु को पूरा काटिके रखैथिली मु एठी टिके बड़ साइज रखछि आपण चाहली याठो आउ टिके छोटो किबा साइज बड़ रख परिबे ए सबु को मु भल भाव रे गोळै नौची जा द्वारा हिंगु आउ भृसंग पत्र रो फ्लेवर कखारु रे आसिबो ये सब को गोटे रु दुई मिनिट मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाव भाजी नौ दे दूचे अल्प टिके लुण आप टेस्ट हिसाब से लुण आड करेंगे अल्प टिके हलदी गुंड आउ रागपाई अल्प टिके लंका गुंड नहीं जाइए नहीं जाइए गोटे चामच गरम मसला ये सब को भल भाव में भाजी नौ बहुत जल्दी यहाँ रेडी बिलकुल भी अधिक टाइम लगे आउ खाइबार पूरा फ्लेवरफुल अल्प टिके पा आड करके या घोड़े दुई रु तीन मिनिट सेमी मीडियम टू हाई फ्लेम ही छाड़द दुई रु तीन मिनिट पर मोर कभर काढ़ी नौ ये सब को आउ टे टाइम गोल दूँ ये आम कखर भल भाव सीझे सीझेबा ये बिलकुल भी अधिक पा देवानी आमको एक हाल्का हाल्का टे भाजार से अल्प अल्प पा दे कि पुणी आपको आउ थे दुई रु तीन मिनिट पर्यटन घोड़े छाड़ दूँ मीडियम फ्लेम मोर कभर काढ़ी नौ ये चेक कर नौ आम कखर ठीक से सीझिले कि ना देखी पार्थे कखर ये टी मिसा आरंभ हो जाने हाल्का हाल्का टे मसी ये सब को मुझे भल भाव गोल सारापर यह तेजपत को काढ़ी दूँ पूरा मसलार तेजपतर बास्ना आसी जाइए आमको बिलकुल भी दरकार नहीं तेजपतर से मुझे काढ़ी नौ देखी पार्थे ये खड़ी थे कखर पूरा इजिली पशि जाऊँ मैंने कखर ये पूरा भल भाव सीझी जाइए ये सब को आउ टे टाइम भाजलापर एवं एड कर दूँ गोटे चामच गुड़ मुझे पाउडर गुड़ नहीं चाहिए चीनी आड करेंगे तांगे खट्टापाई नहीं जाइए ये गोटे चामच आमचूर पाउडर जदि आप आमचूर पाउडर ना तो आप तेतुली यूज करेंगे तेतुली को टिके टाइम पर्यटन बतरेक तार पूरा सबू रस बाहर करदे आउ टाइम आड करदे जहाद्वारा तरह पूरा खट्टा फ्लेवर कखर में आसो आम कखर पूरा चटपटा बन जाए फ्लेवर बढ़ावाई मुझे नहीं जाइए गोटे तड़का पैन जो थे कि अल्प टिके सोरिष तेल दे दूँ सोरिष तेल को ये मुझे कम्प्लीटली गरम करी मुझे सोरिष तेल को अल्प टिके ही गरम करें 50% गरम करते दूँ गोटे चामच मेथी कखर में मेथर फ्लेवर पूरा भल भाव आसाई मुझे मेथी को पूरा भल भाव कलर चेंज होगा पर्यटन भाजी देती आम कखर में आड करदे रेडीगला आम कखर चटपटा राग खट्टा आउ मिठार कम्बिनेसन यहाँ खायाप बहुत बड़ा लगे आप सैड डिश हिसाब से निश्चय ट्राए करेंगे आप चाहिए मेथी को डायरेक्टली तेल में आड करेंगे जब आप बेसी तेल खायाप चाहूना तेल ये सब को भल भाव में गोल नौ मेथी आड कर सारापर देखी पार्थे के बढ़िया देखा जाऊँ आउ खाया बहुत बढ़िया लगी था देखिले आमको बिल्कुल भी किसी एक्स्ट्रा जिस दरकार पड़ानी आउ आम रेडीगला गोटे चटपटा वाला रेसीपी लो मीडियम फ्लेम मुझे सब को आउ दुई रु तीन मिनिट पर्यटन भल भाव में गोल नौ जहाद्वारा सब फ्लेवर कखर में मिसीब आउ ये रेडीगला आम कखर चटपटा वाला रेसीपी एवं या मुझ सर्विंग प्लेट को काढ़ी नौ आपण या गरमा गरम रुटी सांगे खाइबे यहाँ बहुत बढ़िया लगी था पूरी परटा सहित मतलब बहुत बढ़िया लगता है भात सांगे आप साइड डिश हिसाब से खाईपरेंगे रेसीपी केमती लगे आप कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे वीडियो भल लगी लाइक करदे सांग सहित सेयार करने मो चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने पाखे थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करने जहाद्वारा आप सब नोटिफिकेशन प्रथम पाइबे पुणी देखा गोटे नुआ रेसीपी आ गए नुआ वीडियो सहित थैंक यू।